मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आवेदन भरने के कुछ घंटे पहले खींचतान के बीच भंडारा गोंदिया में प्रत्याशियों का सस्पेंस। लोकसभा चुनाव में भंडारा गोंदिया आवेदन भरने के कुछ घंटे पहले तक भाजपा और राष्ट्रवादी की ओर से अब तक घोषणा नहीं की गई। दोनों पक्षों को अपने उम्मीदवार की खींचतान के चलते यह सावधानी लेनी पड़ी। नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करके नाना पटोले राष्ट्रवादी में भाजपा छोड़कर जुड़े, जिसकी वजह से यह चुनावी अखाड़े के निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की नजर केंद्रित है, जिससे दोनों पक्ष एक दूसरे के उम्मीदवार जाहिर करने की राह देख रहे हैं। इसकी वजह भी कुछ खास है। राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा प्रफुल्ल पटेल ने अपनी उम्मीदवारी जाहिर नहीं की है। दूसरी तरफ विद्यमान खासदार मधुकर कुकड़े इस बार भी अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहते। टिकट के लिए वह भाजपा के संपर्क में होने की बात भी सूत्रों से पता चल रही है। 6 महीने पूर्व गडकरी बाड़े में हुई गडकरी कुकड़े की मुलाकात बहुत कुछ कहती है। टिकट ना मिलने से शिवसेना से भाजपा में आए राजेंद्र पटले पोवार यह खासदार के लिए लड़ना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने सीधे स्पष्ट किया है कि भाजपा से टिकट ना मिली तो वह राष्ट्रवादी से संपर्क करेंगे और दोनों ने टिकट नहीं दी तो वह अपक्ष उम्मीदवारी कर लड़ने तैयार है। इसके अलावा भाजपा से परिणय फुके, सुनील मेंढे, खुशहाल बोपचे, हेमंत पटले का नाम है। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद दोनों पक्ष अपनी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कर चैनल लाइक सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।